हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम मेरे को भी पता नहीं है क्यों क्या रखने वाला हूं मैं। ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, व्लॉगिंग हो चुकी है स्टार्ट। आज व्लॉगिंग मैं कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, एक्शन कैमरा लगा के थोड़ा सा ट्राई करते हैं आज व्लॉगिंग। बाकी हमारे दोस्त यहाँ से आने वाले थे, आया नहीं अभी, आगे चले गए। सो गाइस, यहीं कहीं अपना दोस्त भी होगा खड़ा हुआ। ये है GT 650 ओनर। दोस्त हस्ते व्लॉगर आ चुके हैं यहाँ पे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और ये होगी GT 650 स्टार्ट। इसमें एग्जॉस्ट लगे हैं तगड़े वाले, काफी अच्छी आवाज निकालते हैं। जोर से बोलना थोड़ा ना, थोड़ा जोर से आवाज की बहुत कम। जब चलती बार बोलेंगे थोड़ा जोर से बोलना, किसी बंदे को जरा आवाज। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल सीधा जान दो। यहाँ से शॉर्टकट था गाइस, पर हमने शॉर्टकट नहीं लिया क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और चलते हैं अब, थोड़ा सा आपको काम है नगवाई में, इसलिए हम नगवाई की तरफ जा रहे हैं। बाकी नगवाई में मेरे को तो कोई काम नहीं है, राकेश को अपना थोड़ा सा काम है, वो निपटाने के लिए जा रहे हैं हम। बाकी फर्स्ट मोटो व्लॉग है, इसलिए शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि मेरे को इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा मोटो व्लॉगिंग करने का। और धीरे धीरे ट्राई करेंगे और फिर डाला करेंगे वीडियोज़ अपने चैनल पर भी। काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग शायद आपको देखने मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे एक तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इसलिए धीरे धीरे जाना चाहिए। वो आ गया अपना दोस्त पीछे से। आज धूप काफ़ी अच्छी लगी हुई है यहाँ पे, इसलिए मौसम काफ़ी अच्छा है। कल के दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। बाकी कल बारिश की वजह से मनाली में काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। और यहाँ पे अब बारिश के बाद मौसम इतना साफ है कि इतनी तेज़ धूप आ रही है कि गर्मियों जैसा मौसम हो गया है। मेरे को कोई ठंड फील नहीं हो रही है, बल्कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है आजकल के मौसम में, पर अभी कोई ठंड नहीं है। सो गाइस, अंशुल बोल रहा है अभी थोड़ी सी रेस की जाए, हम छोटी सी रेस लगाने वाले हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। गाइस, अब हम जीटी चलाएंगे और अंशुल दूसरी बाइक चलाएगा। खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। भाई साहब, आवाज देखो इस बाइक की, आप पटाखे सुनो गाइस, पटाखे। गाइस, हमारी रेस लग चुकी है। दूसरी बार तो रेस हम कर नहीं पाए इतनी क्योंकि आगे से ट्रक आ रहा था। बाकी पहली वाली रेस में तो आपको आउटपुट पता लग ही गया होगा, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत खतरनाक बाइक है, ये खतरनाक चीज़ है, ये बवाल चीज़ है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। बाकी एक चीज़ ये बड़ी अजीब लगती है, और कोई इसमें स्टैंड ढूंढना पड़ता है नीचे से। अपनी बाइक हो चुकी है बिल्कुल साफ, पानी मार के एकदम, और राकेश गया अंदर पैसे देने।
पानी भी खुद ही मार रहा है, पैसे भी खुद ही दे रहा है। पानी के पैसे देने गया हो, लेबर चार्जेस तो ले नहीं सकते हो हमारे से। अब पानी के पता नहीं 10-20 रुपए देने पड़ेंगे उनको अंदर। गाइस रैप्स मारे जाएंगे अब टनल के अंदर। टनल तो है नहीं, ये फ्लाई ओवर सा है, यहाँ पे आवाज काफी अच्छी गूंजती है। मजा नहीं आ रहा है। ओ भाई सुपर बाइक वाला साउंड, चुप कर बे कुत्ते। सुपर बाइक वाला साउंड दे रही है ये बाइक, और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कोई मजा नहीं आया। अभी मजा आने के लिए हम जा रहे हैं कहीं पे टनल के नीचे, वहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ी टनल है, वहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ी आवाजें आएंगी अब आपको GT650 की। चलो अंशुल को जाने देते हैं अंदर अंदर, क्योंकि कीचड़ है। ये बाबूराव का स्टाइल है। इनको निकलने दे, फिर रुक जा। राकेश अपनी बाइक बिल्कुल गंदी करना नहीं चाहता, इसलिए वो अंदर नहीं डालेगा। अब अंशुल फील लेगा पर इसे, और वापस ले वापस आ जाएगा। हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं बाइक। अच्छा हम बाइक थोड़ी सी ऊपर लगा लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं, लग जा स्टैंड। अब रह बॉम्ब देखे जाएंगे नीचे। चाबी बंद कर लेता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ऐसे कामों के लिए, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कौन शूट लाएगा अपनी Duke 250 और मैं चलाऊंगा इसकी GT। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राकेश वार्निंग दे रहा है अंशुल को कि कीचड़ में मत ले जाए बाइक बस, क्योंकि अभी साफ करा के लाए हम बाइक और चलते हैं। साउंड का मजा, थोड़ा सा साउंड का मजा लो गाइस। अब इसकी बाइक में पावर भी बहुत अच्छी है, साउंड भी बहुत अच्छा है, और ये पटाखे भी बहुत अच्छे मारती है। थोड़े से पटाखे मारे जाएंगे अब। बाइक ऐसी बाइक है, इसको आप कहीं भी लेके चल जाओ, रिएक्शन मिल नहीं मिलने हैं, मतलब कोई चांस ही नहीं है आपको रिएक्शन ना मिलेंगे। इस बाइक की आवाज़ इतनी खतरनाक है, रोड प्रेजेंस इतना तगड़ा है, भी आपको रिएक्शन मिल नहीं मिलने हैं। इसी वजह से मेरे को ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। बात तो सही है। यहीं पर रोक लेते हैं गाइस, यहाँ पे हमने एक वीडियो शूट करनी है जिसका आधा शूट हम करके आ चुके हैं। ऐसे को गाइस ऐसे बाइक है, बहुत ज़्यादा भारी है, पर मेरे को इसकी आदत पड़ चुकी है थोड़ी थोड़ी चलाने की, इसलिए मेरे को इसका वेट आजकल फील ही नहीं होता है। मेरे को बड़ी अच्छी लगती है चलाने के लिए ये। और अब हम एंगल देखेंगे कैसा एंगल आएगा। यहाँ पे हमने दो बाइकें लगानी है और एक वीडियो शूट करनी है हमने, छोटी सी शॉर्ट वीडियो। बाकी देखते हैं अब कैसी आएगी। थोड़ी सी पीछे कर लेता हूँ बाइक, क्योंकि रोड में बिल्कुल टच होके लगी है। बाकी मैं आपको इस बाइक की आवाज़ एक बार सुनाता हूँ दोबारा से, जो कि बहुत तगड़ी है। जंगल में हमने आतंक मचा दिया है। राकेश अब स्लो मो बनाएगा, इसलिए अब हम बाइक को बंद कर देते हैं। और इस बाइक की एवरेज ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ी शेर पालना मतलब महंगा पड़ सकता है आपको, तेरा घर जाएगा उसमें, क्योंकि इसकी एवरेज 20 के आसपास ही देती है, ये ज़्यादा नहीं देती है।
और हम तो इसमें खड़े खड़े वेव्स मार रहे होते, तो मतलब एवरेज को तो क्या ही कहना। चलो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस मिलते हैं आपको किसी और ब्लॉग में। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।